हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ उमा, उमास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। आपको दिख गई होगी कि कौन सी वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी आई तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज करते हैं इस प्लांट के बारे में एक बात। ये प्लांट है एओनियम एंडुलेटम प्लांट, तो या इसको हम लक्ष्मी कमल भी बोलते हैं। इसको देख सकते हो आप, ये बहुत ही सुंदर होता है दोस्तों, बहुत मतलब इतना ज़्यादा। आप तो बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों, जब मैं इस प्लांट को लेके आई थी तो मैंने इस प्लांट को कटिंग से ग्रो किया था। इसमें छोटी सी कटिंग दी थी मैंने जब ये लगाया था। मुझे दो कटिंग दी थी, मेरे एक भाभी जी हैं उन्होंने मुझे दो कटिंग दी थी। आप देख सकते हैं, बहुत छोटी सी कटिंग ली थी मैंने इसकी, बहुत ही छोटी सी। बोलने का मतलब कि इतनी सी कटिंग ली थी। मैं आपको दिखा के बताती हूँ, मुझे प्रोपोगेट भी करना है, इसकी प्रोपोगेशन करनी है तो मैं आपको बताऊँगी। तो आप इसको छोटी सी कटिंग से भी लगा सकते हो, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है दोस्तों। तो सेकेंड बात करते हैं इसको वाटर की। तो वाटर इसको दोस्तों बहुत थोड़ा वाटर देना पड़ता है, क्योंकि ये प्लांट जो हमारा है एक सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, एक सैकुलेंट प्लांट है, क्योंकि इसकी लीव्स ही इसका पानी स्टोर करके रखती है। देख सकते हो आप, इसकी लीव्स में अगर आप इसको पानी दो चार दिन भी नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसमें बहुत आराम आराम से पानी दें, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो मैंने इसको पानी दे दिया है अभी, आप देख सकते हो। हमारे यहाँ हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है, तो आप लोग इसको बारिश से भी बचाना दोस्तों। डायरेक्ट इसको बारिश के नीचे नहीं रखना है, हो सके तो आप इसको शेडी एरिया में रखना, आपने इसने नीचे करना इसको, ताकि ये बारिश से बचे रहें। क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी जाए तो इसकी रूट्स गल जाएगी दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा अंदर से छोटे छोटे से बेबी प्लांट आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट आ रखे हैं इसमें। तो दोस्तों, इसकी बात करते हैं कि ये ग्रोथ कब करता है। ये ज़्यादा ग्रोथ हमारा विंटर में करता है। अगर हो सके तो आप इसकी कटिंग विंटर में लगाएं, विंटर में बहुत जल्दी ग्रो होता है ये, समर में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता दोस्तों। और इस बात अभी बारिश भी लग गई है। और बात करते हैं कि इसमें एक ना सुंदर सा फूल भी आता है, सुंदर सा येलो कलर का भी और भी कलर का आता है। इसके ऊपर से एक सुंदर सा बड़ा सा निकल जाता है एक फूल, तो फ्लावरिंग भी करता है दोस्तों ये वाला प्लांट। और बात करते हैं इसकी हम सॉइल मीडिया की। दोस्तों इसका सॉइल मीडिया बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए, तो मैंने यहाँ प्रोपोगेशन के लिए ले रखा है बिल्कुल सॉइल मीडिया। ये मैंने बिल्कुल भूरभूरा होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए, ताकि इसके अंदर पानी स्टोर किया हुआ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो आपने इसको पानी का भी ध्यान रखना है और इसका भी ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। और फर्टिलाइज़र दोस्तों, फर्टिलाइज़र इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट को, क्योंकि मैंने देखा है इसको लगा के। मेरे पास इस प्लांट को लगाए हुए 4-1 महीने हो गए। छोटी सी कटिंग थी, बिल्कुल छोटी सी कटिंग थी, मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि ये प्लांट मेरे पास चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ये ग्रो हो गया है। तो अब मैं आपको और बताती हूँ इसके बारे में, एक मिनट। तो दोस्तों, ये बहुत से कलर में आता है, इसके बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे ये हमारा ग्रीन वाला है और एक मरून सा होता है, ब्लैक सा होता है, बहुत से कलर में आता है ये। मेरे पास एक ही कलर है अभी ये, तो मैं आगे कोशिश करूँगी और भी कलर लाने की, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही है। तो मैं इसकी प्रोपोगेशन करती हूँ, इसकी कटिंग निकालती हूँ, एक छोटी सी इसकी कटिंग निकालती हूँ इस तरह से दोस्तों। इस तरह से आप इसकी कटिंग से इसको आप इसको कर सकते हो इस तरह से, एक ही झटके में आप निकालें इसकी कटिंग। जैसे ये देखो, मैंने इसकी एक कटिंग निकाल दी हुई, देख सकते हो आप। इसको आप कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हो इस तरह से, देखो आप, ये बहुत सुंदर होता है दोस्तों। इतने से मैंने, जब मैं लेके आई थी तो इतनी बड़ी कटिंग भी नहीं थी, ये बहुत छोटी सी कटिंग थी ये जब मैं लेके आई थी इसको। तो अब हमने इसमें क्या करना है दोस्तों, इसको लगाने के लिए हमने सबसे पहले इसको फंगस लगा दे दिया। फंगस ऐसा होता है कि इसमें फंगस नहीं लगेगी हमारे प्लांट को, फिर देख सकते हो आप। और आपने इसको बस वैसे ही लगा देना है मिट्टी में, ऐसे चाहे आप इसको रख भी देंगे तो भी ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है। देख सकते हो, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। आप इसको बस इतना सा ही डिप कर दें, और इतना सा डिप करके ये बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। देख सकते हो आप, ये देख सकते हो कितना सुंदर लगता है ये। इसको लक्ष्मी कमल भी बोलते हैं, इस तरह देख सकते हो, बहुत सुंदर है। देखो वाह, कितना सुंदर है ये। इस तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और इसको हल्का हल्का सा पानी दें, इसको शावर टाइप करें आप, इसको ज़्यादा पानी ना दें। और इसको ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए दोस्तों, अगर ज़्यादा सनलाइट देंगे आप इसको तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आपने इसको सनलाइट से, आपने इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप देनी है, इसको ज़्यादा धूप नहीं देनी है। आप इसको कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको काटा था तो वहाँ भी थोड़ी सी फंगीसाइड लगा दूँ, ताकि हमारे प्लांट को भी कोई नुकसान ना हो। तो इसमें बहुत सारे बेबी पर्व्स आते हैं दोस्तों, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। आप ये देख सकते हैं, इसकी इतनी ज़्यादा केयर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप इसको इजीली लगा सकते हो, इसको आप कहीं भी लगा सकते हो। ज़्यादातर ये सर्दियों में ग्रो होता है, मेरे पास 4 महीने में इसकी ग्रोथ
इतनी हो गई है और देख सकते हो आप ये बहुत बड़ा। और इसकी ग्रोथ रुक सी गई थी जब इसने साइड से बेबी पब्स निकाले थे तो इसकी ग्रोथ रुक गई थी। तो अगर आपके पास ये जिस तरह से ये यहाँ पे पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, ये हमारी ओवर वाटरिंग की वजह से होती है दोस्तों ख़राब। आई होप आपको ढंग से दिख रही होगी, ओवर वाटरिंग की वजह से ये ख़राब होती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसको प्लांट, इतने बड़े प्लांट की ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि इतने छोटे से प्लांट में चल पड़ता है। ये मेरे यहाँ पर छोटा सा सेकुलेंट फैमिली है जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं स्टॉप करते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।